सुबह का नाश्ता तैयार है। ये रहा ब्रेड ऑमलेट सैंडविच विद चीज, और ये सूखा नहीं खाया मैंने। इसके साथ मैंने बनाया एक बेहतरीन मग चाय जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब चलो सेट पे चलते हैं। ब्यूटीफुल स्टोरी। अभी क्या हुआ कि हमारे सेट पर एक लड़की आई शूट करने के लिए, तो हम लोग अभी थके हुए थे, हम पूरे दिन से काम कर रहे थे, और उनका क्या एक ही सीन था, तो वो ओवर एंथुसियास्टिक, अब वो सबसे चहल पहल के कूद कूद के बात कर रही है। हम लोग अपना शूट कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो सडनली उसने ये बोला कि आप लोगों के सेट का माहौल जो है वो ऐसे ही नेगेटिव, ठंडा ठंडा, शांत शांत रहता है क्या? ये बात हमें बुरी लग गई। फिर हम लोगों ने मोस्टली गुलकी ने और राजे भाई ने मिलकर एक प्रैंक प्लान किया। उन्होंने बोला कि हमारे सेट पर ना अगर हमें वाइब अच्छा करना होता है ना, तो एक कोने में एक जगह है, वहां पर हम लोग पैसा चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। ऐसी झूठी बातें, कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं होता है वहां पे, वो फालतू जगह है। थोड़े दिन पहले कुत्ते वहां पे सुसु कर रहे थे सच में। तो बोला कि अगर आपका वाइब आपको अच्छा करना है, आपको इस शो में दोबारा आना है, दोबारा एपिसोडिक करना है, तो आपको वहां पर कुछ पैसे चढ़ाने पड़ेंगे और बड़ी श्रद्धा पूर्वक दिल से मन से वहां पर पूजा करनी पड़ेगी। वो लड़की को इस लेवल पे कन्विंस कर दिया कि वो लड़की गई, चुन्नी उन्नी लेकर आई, कपड़े चेंज करे उसने, इंडियन पहने और 5 रुपए चढ़ाए, काजू किशमिश रखा, परिक्रमा किया, वो सब कुछ रिकॉर्डेड। चलो ये देखो, पुष्पा जी उस कचरे के डब्बे को धक के यहाँ पे धूप बत्ती जला रही हैं, और मतलब खुद ही पूजा करके उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि जगह को पूजा करने से वाइब अच्छी आती है। पहले पुष्पा जी ना ये सारे प्रैंक्स में अच्छी नहीं थी, वो हर बार हंस दिया करती थी, तो हम लोग इनको बोला करते थे कि आप ना हमारे प्रैंक में साथ मत आया करो। लेकिन बाद में ओ माय गॉड, क्या शिद्दत से उसको बना रही है, और ये अंकल जो है ना साथ में, ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गए हैं कि हमें भी पूजा करना है। अभी देखो उसको पूछेंगी, तुम कर लो, नहीं करना है, उसने बोला नहीं करना है। अंकल से भी पूछेगी आपको करना है, नहीं करना। तो अभी ये आ गई हमारे व्लॉग की मेन हीरोइन। ये अभी कमरे में गई थी, कमरे से ये लेकर आई है अपने हाथों में ड्राई फ्रूट्स, कुछ रुपए, और ये कचरे के डब्बे को प्रणाम कर रही है, झुक के सर पे चुन्नी रख के अभी उसकी परिक्रमा कर रही है, उसके चारों ओर घूम रही है। इसको लग रहा है कि मजन, हाँ बेटा कर ले, बढ़िया है, तुझे वाइब अच्छी नहीं लग रही थी ना, ले भुगत, तेरे लिए बहुत बढ़िया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अरे बेटा तुम तो हैवी ड्राइवर हो बच्चे। सही है, कितने रुपए है इधर, देखो कितने रुपए है, सॉलिड। हाँ, तेरी सारे अपने पैसे बराबर। क्या मस्त बनाया ना इस लड़की ने, बोला यार गुल्लू थैंक्स अ लॉट यार, कितने पैसे कमाए हमने, थैंक्स अ लॉट, मजा आ गया। ये देख, कल अपने उसका 2 दिन का शो कर बाकी है। हाँ, बादाम छोड़ के गए ना, कल 500 निकल आएंगे। सर पे चुन्नी रख के किया उसने, सर पे चुन्नी रख के, बॉस सर पे चुन्नी रखा। हाँ, दैट आई रिकॉर्डेड फ्रॉम हियर, यहाँ से छुपा। क्या नहीं नहीं ब्रो, कैसा, किस लिए पैकअप हो गया, नहीं हुआ पैकअप, पर ये मजा आ गया। अरे वाह, गिफ्ट रख लाए हो यार, आप लोग बस मिलने आ जाएगा, दिस इज मोर देन एनफ फॉर अस, यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर अस। अच्छा गुलाब, दिस इज समथिंग यार दीदी, थैंक्स अ लॉट साक्षी, ये साक्षी साक्षी तो ये है यार, इसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर लग रही है ना। अजय भाई पता है मेरे को, मेरे एक बचपन का किस्सा बताऊं, एक बार एक लड़की ने ना मेरे को गुलाब सा कुछ दिया था, गुलाब वाला चॉकलेट दिया था, है ना, तो वो चॉकलेट था और गुलाब के उसमें मिक्स था,
उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर थी ना कि मेरे को खोलने में बड़ा बुरा लगता था कि मैं खोलूं कि नहीं खोलूं, और इस तरीके से वो चॉकलेट 7 दिन में सड़ गया और मेरे को अल्टीमेटली फेंकना पड़ गया। और इसकी भी पैकेजिंग इतनी सुंदर है, पर गॉड दिस इज मटन यखनी। अजय भाई अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं खा पाओगे क्योंकि आपके लिए पनीर आया हुआ है, पर ये दिस फूड बाबा दिस इज राहिल भाई भी बुलाएंगे ना यार, दिस इज समथिंग मोर देन यम बाबा, दिस आई एम गोना ईट। बैठे-बैठे वो सारी बात-बात कर लेंगे कि जो एक्टर जैसे नहीं करते वो फिर आते नहीं दोबारा, उनका कुछ होता नहीं है यार ऐसे सब करके उनका कुछ होता नहीं है। ये सारा प्लान अजय भाई का आपका है ना? एक्चुअली उसने बोला आई थिंक, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। वो आते हुए बोली कि लो फील कर रहा है, लो एनर्जी। अभी बजा डाली इन लोगों ने उसकी वैसी जगह पे, यहाँ पे मैडम से किसी को पंगा लेगा ना तो यही होगा। विवेक फटा से दौड़ा चिल्लर के लिए चलो कौन सा प्लान लॉक हुआ बताओ एक बार। और कल गुरुवार है, गुरु का वार बोल के हेमंत सर को कुंड के सामने खड़ा करेगी। हाँ उसके बाद सब बारी बारी से जाएंगे, उनके पैर छुएंगे और उनके जेब में पैसे डालेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर भजन भी लगेगा। ठीक है जब वो लड़की डालेगी तब टाइट ऑफिस होएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं उसको बनाने के लिए। कुन्नू इज ऑल सेट टू गो। कुन्नू है ना सर? यस ऑल सेट टू गो ब्रदर। मैं बोला कि सेट ये सेट की ठीक है। जोहे एक सेकंड सर, मुझे हंसी कंट्रोल नहीं होगी इसलिए मैं पहले मास्क लगा के रखूं। नहीं नहीं स्मार्ट गर्ल। फ्रैंक आपको आपने पूजा किया कचरे के डब्बे का है ना, सर पे चुन्नी लेके आपने 4 बादाम चढ़ाए वहाँ पे, 35 मर्तबा परिक्रमा किया, हेमेन सर को वो किया, ये सारा का सारा श्रेय पुष्पा मैम को जाता है। दोबारा ना अभी आप बोलना मत कि हमारे सेट पे वो है, अच्छी वाइब नहीं है। हमारे सेट पे हद से ज्यादा अच्छी भाई है बॉस, थैंक यू। अजय भाई गाओ, जो अजय भाई गाओ भाई, थोड़ा हाथेर वाला था कि योदी सिटी गोल्डन चैन टी जाबिन काटे सो मान तुमरा बादाम चाबिन। आपके ये देखो कितना डांस तो करो, पार्टनर लेके आप डांस करो। आए सीता सर आई है। तो यार मेरा हो गया पैकअप आज, तो प्रैंक वाला वो सब कुछ सेटवेट पे हुआ, प्रैंक वगैरह हम लोगों ने किसी को उल्लू बनाया वो सब प्रैंक वगैरह किया, पैकअप हो गया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, घर आ गया अभी। चलो सोते हैं यार अब, बाकी यार
ऐसे ही व्लॉग देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। आई प्रॉमिस कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे वीडियो, तो सिर्फ व्लॉग ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरा एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसका नाम है स्ट्रगलर साला, वो लेकर आने वाला हूँ। इफ पॉसिबल अगर आपने अच्छे सपोर्ट किया तो मैं वेब सीरीज शूट करके इस चैनल पर डालने वाला हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। रात के बज रहे हैं 2 और यार अचानक से मुझे भूख लगी, तो मैंने मेरे खाने के लिए ये बना लिया, चिकन फ्राइड राइस और बीच में मैंने अभी तोड़ा हुआ है अंडा, उसको खाएंगे उसके बाद सो जाते हैं। फिर कल सुबह वैसे भी जल्दी है, कॉल टाइम है और आज ऑलवेज मुझे नींद वापस नहीं आ रही। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।